अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं आपका दोस्त शेख शफाक और स्वागत है आपको अपनी यूट्यूब चैनल जेके जॉब अलर्ट्स में फिर नए एक अपडेट के साथ। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना ताकि जेएनके का कोई भी अपडेट आप मिस नहीं कर पाएंगे। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आपके लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जेके एसएसबी का एप्लीकेशन फॉर्म आप ऑनलाइन अपने स्मार्टफोन में कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन करना होगा। तो हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है jksb.nic.in। इसको टाइप करने के बाद इसको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आएगा। और आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेफ्ट कॉर्नर में देखना है, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के बाद और एक इंटरफेस आपके सामने ऐसे आएगा। और आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एडवर्टाइज नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम, उसके बाद आपको यहाँ पे मिडल नेम एंटर करना है, और लास्ट में आपका लास्ट नेम यहाँ पे एंटर करना है। तो हम ये डिटेल्स यहाँ पे एंटर करते हैं। ये डिटेल्स एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है। सबसे पहले मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर जो भी है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी ईमेल एंटर करनी होगी, उस पर आपको एक ओटीपी आएगा और वो वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे रिटाइप ईमेल एड्रेस करना होगा, आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस फिर से एक बार टाइप करना होगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। एक बात याद रखना, जो आपकी ईमेल आईडी होगी वो एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि इस पर आपको ओटीपी आ सकता है और उसको वेरीफाई करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे रिटाइप ईमेल एड्रेस करना है, जो आपने यहाँ पे ईमेल एंटर किया है वो ही यहाँ पे भी एंटर करनी है। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से एक बार मोबाइल नंबर एंटर करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक ओटीपी आएगा, और वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करते हैं। ओटीपी आ गया हमारे पास, हम यहाँ पे इसको देख के यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये हमने यहाँ पे ओटीपी टाइप किया। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रखना है, जो आप चाहे अपने हिसाब से यहाँ पे आप पासवर्ड रख सकते हैं। पासवर्ड टाइप करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे कंफर्म करना है अपना पासवर्ड जो रखा है। पासवर्ड हमने कंफर्म किया, उसके बाद आपको सबमिट ओटीपी पे करना है। सबमिट ओटीपी किया हमने, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली डन। तो इसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, और आपको फिर से लॉगिन करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे वो ही ईमेल एंटर करनी होगी, और उसके बाद जो पासवर्ड रखा है वो यहाँ पे एंटर करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वो ईमेल एंटर करते हैं। ये हमने ईमेल एंटर किया, और पासवर्ड भी हम यहाँ पे एंटर किया। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आएगा, और आपको क्या करना है, आपको अप्लाई पे क्लिक करना है, या फिर अगर डायरेक्टली आए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलेंगे। आपको क्या करना है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो हम यहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई करेंगे, तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा उसको ऊपर करना है, और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, और आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और यहाँ पे यूटी कैडर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू, और यहाँ पे शो हो रहा है कि पोस्ट डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, जो आपकी पोस्ट डिटेल्स है वो सक्सेसफुली सेव हो गई है, और आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपके पास ऐसा एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, इसको आपको फिलअप करना है। फिलअप कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिलअप हो चुकी है, इसको आपको कुछ छेड़ना नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फादर्स नेम एंटर करना है।
फादर्स नेम एंटर करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे मदर्स नेम एंटर करना है। मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करो, आपको कुछ ऐसा नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से सही से एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे जेंडर, जो आपका जेंडर होगा वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करना। तो मैंने यहाँ पे मेल सिलेक्ट किया। उसके बाद आपकी कैटेगरी, जो भी कैटेगरी होगी आप इसको सिलेक्ट करना, तो मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद आपका जो DOB है यहाँ पे क्लिक करके अपना DOB सही से एंटर करना, सिलेक्ट करना। तो ये मैंने यहाँ पे अपना DOB एंटर किया और यहाँ पे आपकी एज ऑटोमेटिकली शो हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वेदर मैरिड, अगर आप मैरिड है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आपको नो पे ही क्लिक करना है। और उसके बाद अगर आप J&K के डोमिसाइल है तो आपको यहाँ पे यस करना है, जाहिर सी बात है कि आप कन्फर्म J&K के डोमिसाइल होंगे, अदरवाइज आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ऑलरेडी तो आपको यहाँ पे यस करना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। और उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी जो भी है वो आपको यहाँ पे मेंशन करके रखना है। उसके बाद अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको यहाँ पे नो करना है और आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना के रखना। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी इस टाइम आपको इसकी नीड हो सकती है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिवीजन सिलेक्ट करना है, जम्मू डिवीजन है आपका या कश्मीर का डिवीजन जो भी है तो सिलेक्ट करना। और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये मैंने अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस एंटर करना है जो भी होगा। सबसे पहले आपका जो हाउस नंबर है, हाउस नंबर यहाँ पे एंटर करना। अगर आपको अपना हाउस नंबर मालूम नहीं है तो आप अपना राशन कार्ड चेक करना, इस पर आपको वो मिल जाएगा। उसके बाद आपका वार्ड नंबर जो भी है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। वार्ड नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे अपना विलेज भी सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एंटर करना है। विलेज एंटर किया हमने और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट हमने किया है। और उसके बाद आपको तहसील, जो आपका तहसील होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करना, तहसील भी हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना ब्लॉक यहाँ पे टाइप करना है, ब्लॉक टाइप होने के बाद आपको यहाँ पे जो पंचायत है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यानी कि यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड एंटर करना है, जो आपके एरिया का पिन कोड होगा वो आप यहाँ पे एंटर करना। तो ये हमने एंटर किया और आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अब यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस एंटर करना होगा। अगर आपका जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज आपको नो पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो आपका नया एड्रेस है, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, वो आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर सेम है तो आपको यस पे ही क्लिक करना है और जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आएगा। उसके बाद आपको डायरेक्टली सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये हमने क्लिक किया। उसके बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी ऑफ एप्लीकेंट है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर आप स्पेशली एबल्ड पर्सन है तो आपको यहाँ पे यस रखना है। और उसके बाद जो आपकी डिसेबिलिटी होगी, परमानेंट है या टेम्पोरेरी, तो आपको परमानेंट अगर है तो परमानेंट पे क्लिक करना है, टेम्पोरेरी अगर है तो टेम्पोरेरी पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पे एंटर करनी है और टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। उसके बाद डेट ऑफ इशूंस ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो आपकी सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो आपको कब इशू हुई वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करके रखना है। और उसके बाद इशूइंग अथॉरिटी भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। अगर आप स्पेशली एबल्ड पर्सन नहीं है तो आपको यहाँ पे नो ही रखना है। अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको यहाँ पे यस रखना है। और उसके बाद यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी। कैटेगरी के बाद आपका जो डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट सिलेक्ट यहाँ पे मेंशन करना होगा और अपॉइंटमेंट अथॉरिटी भी आपको यहाँ पे मेंशन करके रखना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई ऑलरेडी नहीं है तो आपको नो ही रहने देना यहाँ पे। और अगर आप एक्सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक करना है। और आपका जो रिटायरमेंट डेट है वो यहाँ पे मेंशन करके रखना है। पेंशन पेमेंट नंबर वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करके रखना है।
एक्सर्समेंट सर्टिफिकेट नंबर भी एंटर करना है। यहाँ पे एक्सर्समेंट सर्टिफिकेट इशू डेट वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करके रखना है। और उसके बाद अगर आप ESM कैटेगरी के अंडर किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए सिलेक्टेड है तो आपको यस रखना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे नो ही रखना है। और अगर आप एक्सर्समेंट नहीं है तो आपको यहाँ पे नो ही रखना है। और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, उस पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद यहाँ पे आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अगर आप किसी क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व है तो आपको यहाँ पे यस करना है। लेकिन आपको क्या करना है, आपको हर जगह नो ही करना है, क्योंकि अगर आपने कहीं पे यस किया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपको हर जगह नो ही रखना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास ऐसा एक और पेज आएगा जिसमें आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स को एंटर करना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैट्रिक बोर्ड, जो आपका मैट्रिक में बोर्ड था, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, CBSE, ICSE, NOS, अदर्स, जो भी है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे एंटर करना। तो मैं यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंटर करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैट्रिक की जो परसेंटेज थी आपकी, वो आप यहाँ पे एंटर करना। तो मैंने मैट्रिक की परसेंटेज एंटर की। इसके बाद मैट्रिक रिजल्ट डेट, जो आपका 10th का रिजल्ट डेट है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन करके रखना है। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया। और उसके बाद आपको क्या करना है, SSC 12th यानी कि 12th का जो बोर्ड था आपका, वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद 12th की परसेंटेज, ये मैंने यहाँ पे 12th की परसेंटेज। और उसके बाद 12th का जो रिजल्ट डेट है वो भी आप यहाँ पे एंटर करना। तो ये हमने यहाँ पे 12th का रिजल्ट डेट मेंशन किया है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ग्रेजुएशन, यानी कि आपने कौन से फील्ड में ग्रेजुएशन किया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करना। इसके बाद आपको यहाँ पे नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, इस यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करके रखना है। और उसके बाद ग्रेजुएशन में आपकी जो परसेंटेज है वो भी आप यहाँ पे एंटर करके रखना। ये हमने यहाँ पे मेंशन किया ग्रेजुएशन की परसेंटेज। और उसके बाद ग्रेजुएशन का जो रिजल्ट डेट है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो ये हमने यहाँ पे एंटर किया है। ऐसे ही जो भी क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी तो वो आप अच्छे से एंटर करना। और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है फिर से एक बार। तो ये हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन डिटेल्स सेव सक्सेसफुल, यानी कि हमारी जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी सेव हो चुकी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स जो भी है वो आप अच्छे से यहाँ पे एंटर करना। और उसके बाद ये यहाँ पे बता रहा है कि जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या वो एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से है, तो आपको यस करना है। उसके बाद जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहाँ पे आप रखना चाहती है, चाहे जम्मू डिवीजन रखना चाहोगे या फिर कश्मीर डिवीजन, आपकी मर्जी। और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन मिल जाएगी, इसको आपको एक्सेप्ट करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है। और सेव एंड कंटिन्यू पे फिर एक बार क्लिक करके आपको फाइनल सेटअप अब यहाँ पे करना है, यानी कि आपको अपना फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड करना होगा। इसे करना होगा वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे लेटेस्ट फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, लेकिन जो आपका फोटोग्राफ होगा वो लेस देन 1 MB होना चाहिए। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें कि आपका जो सिग्नेचर होगा वो भी आपको लेस देन 1 MB होना चाहिए। फोटो को कैसे कंप्रेस करना है, यानी कि आप इसका साइज कैसे रिड्यूस कर सकते हो, कैसे कम कर सकते हो, तो वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। तो आपको क्या करना है, चूज फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो फोटो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये मैंने इमेज को सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है, आपको यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपको फाइल्स में जाना है और यहाँ पे वो सिग्नेचर आपको सिलेक्ट करनी है जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं। तो ये मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे क्या आता है वो आप
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइल इज अपलोड सक्सेसफुली, यानी जो हमने सिग्नेचर और फोटोग्राफ हमने अपलोड किया वो सक्सेसफुल हो चुका है और आपको ओके पे क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपने अभी सिग्नेचर अपलोड किया और जो फोटोग्राफ अपलोड किया है वो यहाँ पे आ चुका है और आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म पूरा यहाँ पे दिख रहा है और आपको इसको अच्छे से एक नहीं दो नहीं पूरे तीन बार इसको चेक करना है। जब आपको लगेगा कि ये सही है उसके बाद आपको प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। पेमेंट कैसे करनी होगी? नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिसके थ्रू आप करना चाहोगे आप कर सकते हो। तो हम यहाँ पे डेबिट कार्ड पे क्लिक करते हैं। डेबिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, जो आपको बैंक में रजिस्टर्ड होगा वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी और अपना नाम यहाँ पे आप एंटर करना। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू नाउ पे क्लिक करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एंटर करते हैं, ये हमने यहाँ पे डिटेल्स को एंटर किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा एक पेज आएगा और आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे कार्ड होल्डर्स नेम, जिसके नाम पे वो एटीएम होगा इसका नाम, आपको यहाँ पे पूरा नाम मेंशन करके रखना है। उसके बाद कार्ड नंबर, जो कार्ड पे नंबर दिया होगा एटीएम कार्ड पे 16 डिजिट का नंबर होता है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद एक्सपायरी डेट, इस पे दिया होगा एक्सपायरी डेट, यानी कि वो कार्ड कब एक्सपायर होगा, इसका मंथ एक्सपायरेशन, मंथ एक्सपायरेशन ईयर, वो दोनों आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और उसके बाद कार्ड कोड CVV, वो कार्ड के पीछे लिखा होगा, आपको वो यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद जब आप ये पूरी डिटेल्स को एंटर करोगे उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे OTP आएगा, जो नंबर आपके बैंक से रजिस्टर्ड होगा इसी नंबर पे आपको एक OTP आएगा और वो आपको एंटर करना होगा। इसके बाद आपका पेमेंट हो जाएगा और उसके बाद आपका जो फेस रिसेप्ट है वो आपको मिल जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपका जो फॉर्म का PDF है वो भी आप डाउनलोड करके रखना। तो ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। रुके रुके, पहले ये बात सुना कि जो आपका फ़ोटो है और जो आपकी सिग्नेचर है इसको कंप्रेस कैसे करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक वाइट पेज लेना है, इस पर आपको सिग्नेचर करनी होगी और अपने फ़ोन से एक फ़ोटो लेना है सिग्नेचर का। लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही अपलोड करोगे ये अपलोड नहीं होगा, क्योंकि इसका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और आपको वो साइज़ कंप्रेस करना पड़ता है, रिड्यूस करना पड़ता है, ताकि ये आसानी से अपलोड हो जाए। कैसे कंप्रेस करना है आपको साइड में एक वीडियो नज़र आ रहा है, इस पर जल्दी से क्लिक करना और ये वीडियो अच्छे से देखना। आपको मैंने इस वीडियो के अंदर पॉइंट पॉइंट हर एक स्टेप बताया कि कैसे आप अपनी इमेज और अपनी सिग्नेचर को कंप्रेस कर सकते हो और अपलोड आसानी से हो जाएगा। सो गाइस, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। पसंद आया तो एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करना। अब हमारी मुलाकात किसी और वीडियो में होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।